वो अमन से पढ़ना बाबू रोशनी, रोना नहीं है जी, कहाँ चल गई रोशनी, कहाँ गई बाबू? चलो ठीक है, बोली मन से सुनिएगा बाबू कहानी। रूट एक्स प्लस फोर प्लस रूट एक्स प्लस फोर रहेगा तो क्या करेंगे? बता रहे हैं, बता रहे हैं, बता रहे हैं। चलो बाबू देखो, बाबू क्या है बाबू, आपको हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर? रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा रहे हैं ना बाबू, ठीक। रेशियो प्रोपोर्शन में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? कंपोनेंट और डिपेंडेंट पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम लोग अब फेमस टाइप का क्वेश्चन करेंगे आपका देश बाबू, है ना? तो ये दोनों में हम एगो बताते हैं, अब आप बोलो कौन वाला, दोनों नहीं बताएंगे, टाइम हमारे पास है नहीं, चुके ऑलरेडी हम करवा चुके। ये वाला बता देते, ये वाला हमको डर लग रहा, ये वाला हमको डर लग रहा है ना सर, ये वाला तो आसान है सर, ये वाला हमको डर लग रहा थोड़ा, वही बता देता है ना, वही दोनों बता देता है। ऐसे तो हम दोनों बता दीजिए, एगो सीखो ना जी, एगो सीखो ना, दोनों बन ही जाएगा, इसको करके लाना डी आई बाई। देखो आपको क्या कह रहा है सर, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, शांति से देखो उत्कर्ष, कूट देंगे पकड़ के, शांति से देखे उत्कर्ष बाबू, और शांति से देखो भूमिका, बोर्ड देखे भूमिका, आई एगो कहाँ गई बाबू, निकू का शैतान कहाँ भागा जी, खाली सब बीपी हाई करवाता है। चलो ठीक है, देखो बाबू क्या क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्या कह रहा है सर, 102 नंबर, 102 नंबर, रूट थ्री, देखे बाबू सपना, शैतान को समझ में नहीं आता है सब, रूट थ्री एक्स प्लस फोर है बाबू, प्लस बाबू रूट थ्री एक्स माइनस फाइव है, डिवाइडेड बाय बाबू कितना बाबू, रूट थ्री एक्स प्लस फोर है और माइनस रूट थ्री एक्स माइनस फाइव है, यही है ना? हाँ सर यही तो है बाबू, ठीक। अभी इतना बराबर कितना दिया हुआ, इतना बराबर कितना दिया, नाइन दिया हुआ, हाँ सर नाइन दिया हुआ। तो बचपन में पढ़ाए तो बाबू किसी भी नंबर के नीचे नहीं पूछ रहा था, तो सबका मालिक एक वन रहेगा। उसके बाद बाबू आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कंसेप्ट पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे बाबू, यदि बाबू दो प्रोपोर्शन, दो रेशियो अगर बराबर है, ए बाई बी बराबर सी बाई डी अगर है, दो रेशियो क्या बाबू बराबर है, ठीक, तो इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगाओगे, जो नीचे वाला है उसको ऊपर में जोड़ दो, मतलब कैसे लिखोगे, ए है ना बाबू, तो ए को न्यूमरेटर में भी लिख लो और डिनोमिनेटर में भी लिख लो, ऐसे कर लो। कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगाएंगे सर, तो ए को न्यूमरेटर में भी लिख लो डिनोमिनेटर में लिख लो, ठीक ठीक सर। B को क्या करो, ऐड कर दो, यहाँ B एक बार ऊपर में ऐड कर दो, नीचे में सबट्रैक्ट कर दो, हो गया, जो काम इधर किए हो, जो काम बाबू इधर किए हो, उसी उसी तरह से इधर भी करना, मन से पढ़ना उत्कर्ष, कूट देंगे पकड़ के, भूमिका मन से सुनिए, नीचे क्या कर रही भूमिका, जो काम इधर किए बाबू वही काम इधर भी करना है, क्या है सर, सी है, तो सी को दो बार लिख लेना, ऊपर भी नीचे भी। डी को क्या करना, डी है तो डी को एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, डी को क्या करो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो डी को ऊपर जोड़ दिया सर, और नीचे में क्या किया, घटा दिए, तो यही क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है, यही आपका क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है। तो यही फेनोमेनन हम लोग यहाँ पे फाइंड लगाएंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना, वही यही प्रोसेस लगाएंगे, एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग क्या लिखें बाबू, अप्लाई बाबू है ना बाबू, बाई अप्लाई बाबू है ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो बाबू एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो है ना, कैसे अप्लाई करेंगे सर, न्यूमरेटर में क्या है सर, रूट थ्री एक्स प्लस फोर है, तो उसको लिख लो, न्यूमरेटर वाले को पहले लिख लो, शांति से मिलना, न्यूमरेटर वाले को लिख ले बाबू थ्री एक्स प्लस फोर, ठीक बाबू, प्लस रूट अंडर थ्री एक्स माइनस फाइव, न्यूमरेटर को लिखे, तो न्यूमरेटर को ऊपर भी लिख लेना है और डिनोमेटर में भी लिख लेना है ना, न्यूमरेटर को, ठीक, रूट थ्री एक्स प्लस फोर बाबू सेम चीज और रूट थ्री एक्स माइनस फाइव लिख लिए सर, हाँ सर, क्या नीचे देख रहा आर्यन, फिर कहेगा समझ में नहीं आया, कूटेंगे सब। नेक्स्ट बाबू अब क्या करना, भोले शांतनी कुछ नहीं करना, डिनोमेटर में ये है ना, तो इसको एक बार ऊपर में जोड़ दो, प्लस इसको एक बार जोड़ दो, यहाँ पे क्या किया बी है ना, तो यहाँ डिनोमेटर में बी था तो बी को ऊपर जोड़ दिया, तो यहाँ बी की जगह ये है, इसको जोड़ दो, रूट थ्री एक्स प्लस फोर माइनस जोड़ेंगे तो ये पूरे टर्म को जोड़ना, स्क्वायर रूट कितना थ्री एक्स माइनस फाइव, ठीक, ऊपर में इस टर्म को न्यूमरेटर में जोड़ दो और इस टर्म को डिनोमिनेटर में घटा दो, इसी को घटाएंगे तो माइनस लिखेंगे, इसको घटाएंगे रूट थ्री सर माइनस अंडर रूट थ्री बाई थ्री एक्स माइनस फाइव होगा नीचे सर, कहाँ भोला सर वहां पे माइनस होगा, प्लस आप लिखे
रूट थ्री एक्स प्लस फोर माइनस, जो लाल पेन से लिखे सर यहाँ बाबू उसके नीचे सर बगल में माइनस होगा ना प्लस लिखेंगे। कूटेंगे पकड़ते, हमने क्या बोला बाबू, न्यूमरेटर में ये वाला टर्म है, बोला ये वाला टर्म है, इसको टर्म को हम लोग एक यही सेम टर्म को ऊपर लिख लो और यही सेम टर्म को नीचे लिख लो, समझता नहीं है ठीक। न्यूमरेटर में कंपोनेंटो डिपेंडेंटो कैसे लिखाओगे, जैसे ए बाई बी बराबर सी बाई डी है, तो जो बी वाला टर्म है ना, तो जो न्यूमरेटर है, तो पहले क्या करो, न्यूमरेटर को ऊपर नीचे लिख लो और जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है एक बार ऊपर में जोड़ दो एक बार नीचे में घटा दो। तो हमने क्या किया, रूट थ्री एक्स प्लस फोर और प्लस रूट थ्री एक्स माइनस फाइव है, तो इसको न्यूमरेटर में भी लिख लिया और इसको क्या किया डिनोमिनेटर में भी लिख लिया ठीक। अब क्या करना, ये डिनोमिनेटर वाला टर्म है, ये वाला क्या है डिनोमिनेटर वाला टर्म है, डिनोमिनेटर वाला टर्म है, अब इसको क्या करो जोड़ दो, इसको क्या किया ये पूरे टर्म को, ये पूरे टर्म को एक बार न्यूमरेटर में जोड़ दो, तो रूट थ्री एक्स प्लस फोर माइनस माइनस है माइनस हो गया, फिर इस पूरे टर्म को घटा दो, तो घटा हुए तो माइनस दो आ गया, और यही टर्म को लिख दो रूट थ्री एक्स और माइनस कितना हो जाएगा रूट थ्री एक्स माइनस फाइव ठीक। ठीक बाबू, जो प्रोसेस इधर किया वही प्रोसेस नाइन के साथ करो, तो आपको कंपोनेंटो डिपेंडेंटो कैसे लगाओगे, नाइन है न्यूमरेटर में तो नाइन को ऊपर भी लिख लो और नाइन को नीचे भी लिख लो ठीक। डिनोमिनेटर में वन है ना, तो ऊपर वाले में वन जोड़ देना और नीचे वाले में वन घटा देना ठीक। तो यही ऑपरेशन करो, ये जो प्रोसेस आएगा यही सब हम लोग क्या कहेंगे कंपोनेंटो डिपेंडेंटो कहेंगे। अभी दोनों में सेम सेम कौन है, शांति से समझना, रूट थ्री एक्स माइनस फाइव इसके आगे प्लस है और रूट थ्री एक्स माइनस फाइव इसके आगे क्या माइनस है, तो ई वाला टर्म एगो प्लस है एगो माइनस है, तो ये मर जाएगा है ना, हाँ सर मर जाएगा ठीक। नेक्स्ट बाबू, रूट थ्री एक्स माइनस फाइव ये माइनस अंदर जाएगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस लेकर जाएंगे, इतना लिखो फिर ऊपर लिख रहे हैं, लिखो बाबू लिखो फिर ऊपर लिख रहे हैं, आई रोशनी बाबू कहाँ चल गई, सुजीत लेट से आया था जी सर, इसका आंसर सेवन आएगा सर, सेवन आएगा आंसर, हाँ बाबू सेवन आएगा। अनुष्का yes, रोशनी आके डर गई बाबू, श्रुति नहीं रोशनी ये करने हो बाबू लिख रहे सर, हाँ लिखिए 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 भोली, इसको तीन घंटा दवाई की जरूरत, तीन घंटा इसको जरूरत है बाबू, बेसिक बहुत कमजोर है, नूज उत्कर्ष समझ में आया बाबू, उत्कर्ष थोड़ा सा जी कि नहीं आया, यस सर थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा आया ना, संडे संडे तक पूरा पूरा आ जाएगा, जल्दी लिखे जल्दी लिखे, क्लियर दिख रहा है गौरव सर, नीचे भी तो वो जो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस जाएगा तो अंडर रूट थ्री एक्स प्लस फोर और उधर वो कट जाएगा ना, आ रहा इसको आगे अभी काटेंगे तो ये सब भाग जाएगा ना, अभी इसको एक स्टेप लिख के काटेंगे ना तो भाग जाता है सब बच्चा, सर तो 3x plus 4, 3x plus 4 दो बार है सर और नीचे भी दो बार है सर, दो तो कट जाएगा सर, तो उसको एक ही बार में डायरेक्ट लिख दिया चलेगा ना, ठीक है बाबू यस सर, जल्दी लिखे जल्दी लिखो जल्दी लिखे, वीडियो क्या बंद किए बाबू, रोशनी ऑन कीजिए बाबू, और मंगला स्थान कौन कौन बच्चा नहीं है जी, जल्दी लिखे बाबू, शालिनी नहीं आई है बाबू, शालिनी का लगता है बर्थडे, शालिनी का बर्थडे होगा, अनुज है, आर्यन है, अंकित, गौरव, मोहित, जल्दी लिखो बाबू, दो तीन बच्चा बाबू भगाने में ही फायदा है, उसका बर्थडे ही रहता है हमेशा, सब कौन दो तीन बच्चा, सपना है, सपना सबसे अच्छी, श्रुति, सत्यम नहीं है, शालिनी, सत्यम, सबका बाबू स्थिति खराब है, सानवी, संजना, अंशुजीत, हर्षिता, रौनक, रौनक भी बाबू मस्ती मार रहा है, उसको फोन करते हैं,
निको जल्दी लिखो शैतान, इतना टाइम नहीं देंगे। चलिए बाबू ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ाते हैं। भूमिका समृद्ध सुजीत प्रधान। देखो बाबू कैसे करेंगे अब आगे, इसको कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे। इसके बाद बाबू हम लोग बाबू क्या पढ़ेंगे, सबसे फेमस क्वेश्चन। ये वाला समझ में नहीं भी आएगा बाबू, रोशनी तो रोना नहीं है बाबू, नाम है रोशनी, रोशन कैसे करेगी जी, नाम के अनुसार काम थोड़ा सा भी नहीं भोली। चलो रोशनी रोशन जरूर करेगी कि नहीं, रोशनी रोशन करोगे ना बाबू, रोशनी रोशन, हाँ बाबू श्रुति की तरह दम बाबू रोशन करना ठीक है सर। देखो ये मर गए बाबू, तो ये दो सेम टर्म है ना बाबू, रूट थ्री एक्स प्लस फोर, रूट थ्री एक्स प्लस फोर, तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स, तो ये सेम टर्म है सर, तो ये कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू रूट थ्री एक्स प्लस फोर हो जाएगा ठीक। ये ब्रैकेट साइन, निगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे, ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे, तो ये वाला लिख लो सर, रूट थ्री एक्स प्लस कितना बाबू, फोर बाबू, प्लस कितना, रूट थ्री एक्स माइनस फाइव ठीक सर। आई ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन सबका क्या होगा, चेंज हो जाएगा, साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा सर, तो ये माइनस इसके आगे आ जाएगा और ये माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, बताएगा क्या, तो ये ब्रैकेट निगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इसका आगे माइनस आ जाएगा, ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा सर, मतलब क्या हो जाएगा, ये आगे इसका आगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस रूट थ्री एक्स प्लस फोर हो जाएगा और इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा भोला, ये रूट थ्री एक्स माइनस फाइव हो जाएगा। अरे शैतान ब्रैकेट माइनस अंदर लेके जाएंगे ना, हाँ सर ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वही तो किए हैं कि बड़का को लाइन खींच दो, हाँ सर, इसको थोड़ा फैशन में अच्छा लगने के लिए इसको बीच में लिख दो, लिख दिए सर, टू रूट थ्री एक्स प्लस फोर बराबर नाइन प्लस वन, वन में कितना पढ़ाई, एट पढ़ाई, नाइन माइनस वन, नाइन प्लस वन टेन, नाइन माइनस वन कितना एट, तो टेन बाई कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा। इसमें देखो कौन मरा, कौन मरा, कौन जिया, कौन मरा, रूट थ्री एक्स प्लस फोर और रूट थ्री एक्स प्लस फोर, ई वाला माइनस, इसका आगे माइनस है, ये इसका आगे क्या प्लस है, तो ई मर गया और ई बच गया, तो ऊपर क्या बचा, रूट थ्री एक्स प्लस फोर बच गया ऊपर में, और नीचे में रूट थ्री एक्स माइनस फाइव है, दो गो टर्म है, कितना है, दो टर्म है, तो दिस दिस ऐड हो जाएगा, तो टू रूट थ्री एक्स माइनस फाइव बराबर दस बटा आठ, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दस बटा आठ को क्या लिखोगे, पाँच बटा दो करोगे, पाँच बटा चार करोगे, दो से काटो ना तो पाँच, दो से काटो तो चार, नेक्स्ट दो दो मर गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम रहता है, मर जाता है, हाँ सर ठीक, नीचे लिख लिए, नेक्स्ट बोला नेक्स्ट, अब एक साइड स्क्वायर है सर, एक साइड क्या बोला स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट को हटाएंगे लोग, क्या स्क्वायर रूट है लोग, मतलब क्या है सर, ये ऊपर वाला टर्म क्या है सर, रूट थ्री एक्स प्लस फोर है सर, और डिवाइडेड बाई कितना है, रूट थ्री एक्स माइनस फाइव है ना, बराबर कितना, पाँच बटा चार है। अब ये स्क्वायर कैसे, स्क्वायर रूट कैसे हटेगा सर, तो बताए तो स्क्वायर रूट का जाने दुश्मन, स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर रूट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अरोना नहीं है रोशनी, स्क्वायरिंग बोथ साइड बाबू, नहीं तो आपको दो घंटा ही बोलाएंगे बाबू, अगर नहीं पचेगा दावा तो दो घंटा बोलाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड बाबू, इसको इसके पे स्क्वायर करो शैतान, मतलब क्या बाबू, क्या बाबू, मतलब रूट थ्री एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई बाबू कितना, रूट थ्री एक्स माइनस फाइव का कितना सर स्क्वायर, बराबर कितना, इस इधर भी स्क्वायर करोगे, जब भी स्क्वायर करेंगे दोनों साइड करेंगे ना बाबू, ठीक बाबू, नेक्स्ट बोला नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, अब ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, इधर स्क्वायर है, तो बताए थे वो स्क्वायर रूट, स्क्वायर से क्या होता है, कैंसिल होता है, बचपन में पढ़ाएं बाबू, किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए पढ़ाएं, ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर आपस में मर जाएगा, हाँ मेरे भोले,
ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर से मरेगा तो क्या बचेगा, 3x प्लस 4, यहाँ 3x माइनस 5 बचेगा, 3x माइनस 5 बराबर क्या होगा, इधर स्क्वायर करो तो 25 बटा 4, 5 का स्क्वायर कितना मम्मी पढ़ाई 25, अब 4 का स्क्वायर पढ़ाई कितना 16, तो 25 बटा 25 बाई कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अरे शैतान, दो स्क्वायर 5 पे भी आता, स्क्वायर कितना आता 4 पे भी आएगा उछल के, है ना। हाँ सर, अंकित सत्यम भाव वीडियो ऑन कीजिए, सब शैतान खाली हो गया। अब इसको कैसे करेंगे सर, 3x प्लस 4 है तो चाहो तो एक बार आओ कंपोनेंटो डिपेंडेंटो लगा सकते हो, क्या दिक्कत है, एक यहाँ से x की वैल्यू करना निकालना, तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी तो हम तो कंपोनेंटो डिपेंडेंटो पढ़ा रहे हैं, तो एक बार आओ और अप्लाई करो, देखो कैसे करोगे। अप्लाई बाबू क्रॉस में इजी होगा, अरे कंपोनेंटो आसान नहीं है, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, देखो ना आसान है जी, हम आपको सिखाना है ना बाबू, टाइम थोड़ी बचाना। कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे अप्लाई करेंगे सर, जो न्यूमरेटर वाला टर्म है उसको लिख लेना, 3x प्लस 4 लिख लेना, ऊपर में न्यूमरेटर है तो इसको ऊपर भी लिख लो, इसको नीचे भी लिख लो, 3x प्लस 4 को, जो न्यूमरेटर में 3x प्लस 4 है उसको ऊपर भी लिख लो नीचे भी लिख लो, और डिनोमिनेटर वाले को क्या करो घटा दो, डिनोमिनेटर वाले को क्या करो डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर वाला को ऊपर में क्या करना ऐड कर देना 3x माइनस 5, और ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है 3x माइनस 5 इसको नीचे क्या करो घटा दो 3x माइनस 5। न्यूमरेटर में क्या करेंगे सर, डिनोमिनेटर वाले टर्म को जोड़ देंगे, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर वाले टर्म को क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे, जो प्रोसेस इधर के वही इधर भी करो, तो 25 बटा 25 हम लोग लिख लेंगे, और डिनोमिनेटर क्या 16, तो 16 को जोड़ देंगे, 16 को घटा देंगे, कितना हो बड़ा क्वेश्चन रहा, यही करेंगे 16 को ऐड कर देंगे और 16 को क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। अब इसमें कौन कौन मरेगा, कौन कौन मरेगा, ऊपर नहीं कोई मरा, 3x में कितना पढ़ाई है 6x, ठीक बाबू। अब 4 माइनस 5 कितना पढ़ाई है माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 पढ़ाई है, और यहाँ 3x मरेगा, इसको ऐसे लिखो बाबू, 3x मरेगा सर, नहीं मरेगा सर, मरेगा एक लाइन लिखो एक्सप्लेन करके, 3x प्लस 4 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 3x प्लस 5 बराबर 25 प्लस 16 कितना सर 41, अब 25 माइनस 16 कितना 9, लिखो बाबू फिर इसको सॉल्व करेंगे 3x। हाँ बाबू, हमारी यहाँ सालनी नहीं आई है, रोना नहीं है रोशनी बाबू, थोड़ा थोड़ा इसको कमी समझ में आ रहा होगा। और सुजीत बाबू होमवर्क कहानी बना के लाया था सुजीत, भोला सुजीत मेरे को बोल रहे हैं सर, नहीं जी। हाँ सुजीत बाबू होमवर्क कहानी बना के लाया सर, एग्जाम था। अच्छा सत्यम वीडियो ऑन कीजिए बाबू, सत्यम बाबू वीडियो ऑन कीजिए, सालनी नहीं आई है, लिखो बाबू, बर्थडे उसका कभी कभी आती है। हाँ जी उसका बर्थडे रहता बाबू, बर्थडे आ रही है सालनी का बाबू, रोज सप्ताह में 2 दिन। अपना भी नहीं रहता तो दूसरे का बर्थडे मन से बनाती है। ऐसा मरीज वीडियो ऑन करो जी, गौरव दिख रहा है बाबू? हाँ सर दिख रहा है, जल्दी लिखे जल्दी लिखे बाबू। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एक्स की भाई लोग फाइंड आउट करेंगे, अब हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे बाबू, बहुत हो गया, अब हम लोग वैसा चीज पढ़ेंगे बाबू जो आपको हमेशा यूज होगा, ये भी बाबू यूज होता है ना इसमें बहुत सारा बच्चा को, किसको किसको समझ में नहीं आया जी, उधर कट रहा है सर, उधर कट रहा है 25 प्लस के बाद, चलो ठीक है अब नहीं ना कट रहा है सर, आंसर आ गया, अरे अभी कहां x की वैल्यू अभी आएगा तब ना बाबू, अब तो एक लाइन बची है रहा उसमें। ऐसा तो हम वीडियो ऑन करें बाबू, बहुत खुश है मोहित,
अंकित ए मंगलास्थान बाबू काहे लेट से आया बाबू, 6 बजे से क्लास है जैसा आवाज 6 बजे आया भोला। नहीं सर 6:07 पर आए थे। अच्छा नेक्स्ट वाला इसको हम लोग क्या करेंगे सर, सिंपलीफाई करेंगे उसको, क्या करेंगे अब सिंपलीफाई करेंगे थोड़ा सा। तो ये बेसिक कंसेप्ट क्या सर, कंपोनेंडो डिविडेंडो का था ना बाबू, ये आपको यूज होगा बाबू, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करो भोला। 6x-1 बाबू डिवाइडेड बाय 3x, और देखो 3x और माइनस 3x, एगो प्लस 3x एगो माइनस 3x, तो बाबू बोले थे कि मर जाता है कि मर गया, 4+5 मम्मी कितना पढ़ाइए 9 पढ़ाइए, बराबर उधर कितना हो गया 41 हो गया डिवाइडेड बाय 9 हो गया। इसको अब क्या करो बाबू, अब यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट और डिविडेंड नहीं लगाएंगे ठीक है ना, क्योंकि एक ही साइड में वेरिएबल है, एक से ऊपर ही है ना बाबू। अब यहाँ पे बाबू देखो 9 9 मर जाएगा बाबू, डिनोमिनेटर में सेम रहता है वो तो 9 9 मरता है, जिसको इस समय दिक्कत होता है शैतान वो शाम वाला बैच अटेंड करो। से कंपोनेंट और डिविडेंडो क्यों लगाए सर 3x+4 सर, मैं उसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया था। अरे आंसर नहीं किया था। हाँ भला आंसर आ जाएगा, हमको क्या पढ़ा रहा है आपको, कंपोनेंडो डिपेंडेंडो पढ़ा रहा है, उधर माइनस वन जाएगा तो प्लस वन ठीक है ना, तो हमारे लिए बाबू ये वाला आपको सिखाना था इसीलिए हम अप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। ये इधर जाएगा बाबू तो 41+1 6x 41+2 कितना पढ़ाइए 42 पढ़ाइए, तो एक 6 उछल के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा डिवाइड में जाएगा तो 42/6 कितना हो जाएगा 6×7 टाइम्स में हो जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 7 आंसर आ गया। चलिए बाबू रोशनी आप समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से अब आपको समझ में आना चाहिए बाबू, ये आपको समझ में एक थोड़ा सा भी नहीं आया भोले। चलो अब हम लोग फ्रेश टॉपिक का स्टार्ट करते हैं बाबू, जिसका पीछे से कोई रिलेशन नहीं। सर हाँ बोली सर, वहाँ पे 6x-1 कैसे आया? 6x-1 ऊपर से आया भोले, ऊपर से देखो 6x-1 यहाँ ऊपर -1 है तो ये -1 है तो वहीं से 6x-1 आया। नहीं सर वो 3x+4 उसमें 3x-5 उसमें से कैसे आया थी? ये भोले 3x+4 है 3x-5 है, तो हमने यहाँ पे अप्लाई करो कंपोनेंडो डिविडेंडो, देखो 3x+4 है तो 3x+4 को ऊपर भी लिख लो, इसीलिए तो कलर चेंज करके लिखते हैं, 3x+4 को ऊपर भी लिख लिया। हाँ सर यहाँ डिनोमिनेटर क्या 3x-5 है तो एक बार इसको जोड़ दो, 3x-5 को एक बार यहाँ पे प्लस कर दिए है ना शैतान, इसको एक बार 3x-5 को एक बार जोड़ दो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे, और इसी को एक बार घटा दो तो आगे माइनस साइन दिया मैंने घट गया है ना, तो यहाँ का ये जो डिनोमिनेटर है ये जो डिनोमिनेटर इसी को क्या किया एक बार ऊपर जोड़ दिए न्यूमिनेटर में, एक बार डिनोमिनेटर में घटा दिए, तो जो काम इधर किए वही काम 25 और 16 में करेंगे, तो 25 को ऊपर भी लिख लेंगे 25 को नीचे भी लिख लेंगे, और 16 एक बार ऊपर में घटा देंगे 16 एक बार नीचे में घटा देंगे, समझी बोली ना समझी जी। -1 कैसे आ गया इसमें से? -1 बाबू 6x 3x कितना होगा 6x आई +4 है -5 है 4 ये +4 आई -5 मैं +4 -5 कितना है +4 है ना आई -5 होता +4 -5 कितना होता सर -1 होता। हाँ तो वही आया वही बोला है, यहाँ +4 है ना यहाँ -4 है ना, तो वही आया -1। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। ये समृद्ध बाबू कहे बाबू व्हाट्सएप खोल रहे हैं, नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट हेडिंग बाबू हाउ टू फाइंड बाबू रेशियो बाबू, व्हेन 2 रेशियो 2 और 3 रेशियो गिवन, 2-3 रेशियो दिया रहेगा तो आपको रेशियो निकालना, जल्दी लिखे जल्दी लिखे, यहाँ से बाबू सारे बच्चे को मन से पढ़ना है, पीछे से कोई रिलेशन नहीं है सर, इसका 2-3-4 मेथड है, हम लोग 2 मेथड पढ़ेंगे तो हेडिंग ना देंगे। हाँ हेडिंग दे रहे हैं, देखिए रोशनी बाबू यहाँ तक नहीं समझी कोई दिक्कत नहीं बाबू, अब यहाँ से आपको जरूरी समझ में आ जाएगा,
मल्टीप्लिकेशन आता है ना जी, उसने हाँ बोले। अब यहां से आपको समझना सारे बच्चे को, देखो बाबू क्या दिया रहेगा नेक्स्ट हेडिंग बाबू, हाउ टू फाइंड बाबू रेशियो, बाबू रेशियो हम लोग कैसे निकालें बाबू, वेन बाबू टू और मोर रेशियो, टू और बाबू थ्री रेशियो है ना, दो तीन ज्यादा नहीं था, टू और मोर रेशियो आर गिवन। जैसे क्वेश्चन क्या करा, कितना नंबर होगा वो, 103 सर। इफ बाबू क्या कहेगा, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, इफ बाबू ए रेशियो बी बराबर क्या दिया रहेगा, 2:3 एंड बाबू बी रेशियो क्वेश्चन लिखे ना, बी रेशियो बी बाय डी तो क्वेश्चन लिखे। अरे शैतान रुको, क्या दिया रहेगा ए रेशियो, चले चल बहुत पिटेंगे अंशु जी, ए रेशियो बी बराबर 2:3 दिया सर, बी रेशियो सी बराबर कितना दिया सर, 3:4 दिया हुआ, तो आपको फाइंड बाबू ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने का है, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन बाबू आपको जिंदगी के साथ ही जिंदगी के मेरी बताया। अच्छा ठीक है बताएगा, तब शांति सुनो, इस टाइप का क्वेश्चन बाबू आपको हमेशा सब जगह मिलेगा, आप 4 में पढ़ो, 5 में पढ़ो, 6 में पढ़ो, 8 में पढ़ो, ग्रेजुएशन करो, रेलवे का नौकरी तैयारी करो, सब जगह मिलेगा। इसको कैसे हैंडल करेंगे है ना बाबू, बहुत आसान है, लिखेगा क्वेश्चन लिख लो शैतान, उसके बाद लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, लिखो जल्दी से क्वेश्चन। मन से पढ़ना बाबू, ये आपको हमेशा यूज होगा, फर्स्ट मेथड। इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे बोला, ए रेशियो बी और बी के नीचे बी रेशियो सी, देखो समझो, अब लिखना बंद करो, सत्यम बाबू वीडियो नहीं ऑन कीजिएगा जी, अब लिखना बंद करो और कंसेप्ट सुनो कैसे सोल्व करोगे, उत्कर्ष मन से सुनना है, रोशनी बाबू मन से सुनना है, शांतिनी मन से सुनना है, कैसे सोल्व करोगे, देखो क्वेश्चन क्या दिया हो रहा है बाबू, जो बाबू जो अब लिखेगा भगवान उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, सब त्राही त्राही हो जाए, लिखना नहीं है, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, अपना जिम्मेवारी बाद में लिखेंगे सर। हाँ बाद में लिखना, ए रेशियो बी बराबर 2:3 दिया हुआ है, बी रेशियो सी बराबर 3:4 दिया हुआ है, तो आपसे क्या पूछेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछेगा, कैसे निकालोगे हल्ला, आपको ए रेशियो बी 2:3 दिया हुआ, बी रेशियो सी दिया हुआ 3:4 दिया हुआ, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालोगे, बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका, ठीक, देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ए रेशियो बी है बाबू, ठीक सर, तो कैसे लिखना, कैसे लिखना, शांति से समझो, एल के जी ए रेशियो बी हो गया सर, यहाँ बी बी दो बार आया ना बाबू, बी बी दो बार, तो ए रेशियो बी है, बी के नीचे कितना लिख दो, दूसरा रेशियो कौन है, बी रेशियो सी है, ए रेशियो बी है, दूसरा क्या है, बी रेशियो सी है, तो बी के नीचे क्या लिख देना, बी लिख देना, बी लिख देना, बी को राइट साइड एक्सटेंड भी तो होगा, ठीक ना, अच्छा सीखो ना, आसान से सीखो ना, ठीक, अब ए रेशियो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, शांति से समझ, ए रेशियो बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ, ए रेशियो बी कितना, 2:3 दिया हुआ, ठीक, हम लोग इस स्टेप को नहीं लिखेंगे, लेकिन अभी आपको समझा रहे हैं ना, तो लिख रहे हैं डायरेक्ट बनाएंगे, बी रेशियो सी कितना दिया हुआ, 3:4 दिया हुआ, तो यहाँ बी बी वाला बाबू दोनों जगह सेम है ना, तो बी के नीचे बी लिखेंगे, यहाँ बी के नीचे कौन है सर, 3 है, अरे ये पार्ट हो गया बी वाला और ये पार्ट हो गया अगला वाला सी वाला, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और रेशियो देंगे 4 देंगे, ठीक है, यहाँ देखेंगे अगर बी बी सेम है, बी बी सेम है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ये हो गया बी हो गया सी हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू हो गया सर, ई बाबू 3:3 सेम है बाबू, तो बी बराबर 3 हो गया और सी बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, तो 2:3:4 हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, 2:3:4 हो जाएगा ना, ये फर्स्ट मेथड है ना, फर्स्ट मेथड है ना बाबू, फर्स्ट मेथड, कुछ नहीं करना, कैसे करेंगे सर, ए रेशियो बी है ना, तो ए रेशियो बी लिख लो और क्या निकाले करें, बी रेशियो सी, तो बी के नीचे बी लिख लो और सी वाला को आगे कर लो, तो ए रेशियो बी की वैल्यू कितना, 2:3, और दूसरा का क्वेश्चन में कितना दिया है, बी बराबर कितना, 3 है, तो 3:4, दूसरा का में 3:4 है, 3:4, बी बी दो बार है, 3:3,
तो एक ही टाइम लिखना, वी हैव ओनली राइट अबाउट वन सिंगल टाइम, है ना। तो ये रिसीव बी रिसीवर कितना हो जाएगा, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ठीक फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे सेकंड मेथड देखो क्या करेंगे, दोनों मेथड को हम लोग यूज करेंगे। बड़का क्वेश्चन रहेगा ऐसे बनाएंगे, छोटका क्वेश्चन रहेगा सेकंड मेथड से बनाएंगे, है ना। देखो कैसे करेंगे, ए रेशियो बी है बाबू, और बी रेशियो क्या बाबू, बी रेशियो क्या बाबू, बी रेशियो क्या है, सी है, ठीक। ए रेशियो बी की वैल्यू कितना सर, टू रेशियो थ्री है। अब बी रेशियो सी की वैल्यू कितना सर, थ्री रेशियो कितना, फोर है, है ना, ठीक बाबू। समझना हमको निकालना क्या सर, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना, क्या निकालना, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना। इसको इससे मल्टीप्लाई करो पहले, शांति से सुनो, समझ में आ जाएगा, आसानी से आसान कुछ है ये नहीं, दो चार को करवाएंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो थ्री टू जा कितना सर, सिक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, थ्री थ्री जा कितना सर, नाइन सर। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, थ्री फोर जा कितना सर, ट्वेल्व सर। अब इसमें बाबू इसको सिंपल फॉर्म में, रेशियो को बताया था कि सिंपल फॉर्म में लिखना, तो ये दोनों में कॉमन कौन सा डिजिट है सर जो सारे में आता है, थ्री क्या है, कॉमन है। तो इसमें से थ्री कॉमन अगर निकालोगे, ए रेशियो बी रेशियो सी अगर है, तो तीन सारे में से कॉमन है ना जी, तीन से काटोगे तो कितना हो जाएगा, टू टाइम तीन से काटोगे, तीन टाइम तीन से काटोगे कितना, चार टाइम, तो कितना हो जाएगा, टू रेशियो थ्री रेशियो फोर। मतलब जो कॉमन डिजिट है उससे निकाल डिवाइड कर देना, है ना, डिवाइड कर देना, तो थ्री कॉमन है, तो थ्री कॉमन है तो टू टाइम में थ्री टाइम में फोर टाइम, तो टू रेशियो थ्री रेशियो फोर। लिखो समझाते हैं, कौन मेथड बताइए, सही दूसरा मेथड बताए ना, भूली और मेथड यही इतना ही सीखो ना बाबू, कितना सीखोगे बाबू, दो चार क्वेश्चन करेंगे, ठीक से नहीं आया सर अगर ठीक है, क्या बोला, फर्स्ट मेथड में अगर जो नहीं कॉमन होगा तब तो सेकंड मेथड ही अप्लाई करना होगा। अरे नहीं मेरे लाल, नहीं कौन, जिंदगी भी खत्म, मर गए बाबू, मरेंगे तब ना बाबू, अभी मरने दो ना, आ रहा है ना ऑप्शन का क्वेश्चन, छोड़ देंगे जी, ऐसा थोड़ी बाबू की हमेशा कॉमन वाला आएगा, यहाँ चार रह जाएगा, यहाँ पांच रह जाएगा, तो सर आ रहा, टेंशन का ले रहा सर, न्यूमेरेटर दोनों वो क्वेश्चन भेज दीजिएगा, बता देंगे। ऐसा मृत समझ में आ रहा बाबू, अनुष्का भोली समझ में आ रहा बाबू, बहुत दूर बैठी हो, दिखता है अनुष्का, रोशनी थोड़ा सा समझी बाबू, थोड़ा सा 1% तेज हो जाना, और श्रुति से ज्यादा तेज हो जाना है, ये शैतान मेरे यहाँ 2 साल से पढ़ रही है, अभी तक तेज नहीं हुई है सर, 2 साल कहाँ सर, अच्छा ठीक है 1 साल, तो एक ए सेक्शन से आया सी सेक्शन, अब बी सेक्शन का कौन फ्रेंड है रोशनी आपका, शैतान रोशनी नाम है बाबू, तो मेरा कोचिंग का कम से कम रोशनी करोगे ना बाबू, क्या बाबू श्रुति, मतलब बी सेक्शन वाली से उतना कोई बात नहीं करता है सर, सब खड़ूस है बी सेक्शन में, हाँ सर पूरी गर्ल्स, पूरी गर्ल्स खड़ूस है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जल्दी लिखे जल्दी लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 134 नंबर, नहीं लिखा सेकंड मेथड लिख रहा हूँ, जल्दी लिखो हम लोग बाबू, धीरे धीरे सारे इंडिया में पहुंच जाएंगे, अभी इसमें एक जम्मू कश्मीर वाला नहीं आया बाबू, रौनक नहीं आया है, उससे बात करना भी, इंडिया तो एक ही, मैंने सारे इंडिया कहने का मतलब क्या हुआ कि हर इंडिया के हर एक स्टेट में, सारे स्टेट में बोलिए सर, सारे इंडिया तो एक ही है, अरे भावना समझिए, कहने का मतलब वही हुआ, 21 तारीख 22 तारीख 23 तारीख रौनक नहीं है ऐसे सर, साउथ तरफ से भी कोई बच्चा होगा, साउथ तरफ का बहुत है इसमें बाबू, सालनी का बर्थडे है बाबू आज, बहुत बर्थडे मनाते हैं। ए हर्षिता बाबू सीरियल देख रहे हो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एगो और समझाइए, ठीक है सर एगो और समझा रहे हैं, जल्दी से लिखो जल्दी से। ए रेशियो बी बराबर कितना है सर, 3:4 है सर, और ये 4:5 दे दिया सर,
है ना सर? हाँ सर, तब कैसे बनाएंगे सर? कुछ नहीं करेंगे भोला, देखो कैसे करेंगे, शांति से समझो। क्वेश्चन फिर से लिखेंगे। हाँ बाबू, क्वेश्चन फिर से लिखेंगे। 104 नंबर। मैं सीरियल नहीं देखते सर। तो क्या कर रही थी अभी? भैया ले लिया था। उसको भी कूटेंगे, अभी आएंगे तो उसको भी कूटेंगे। शैतान को अपने पढ़ा नहीं बाबा, दूसरे को चिया अब नहीं आती है। चिया बाबू कहीं विदेश चल गई है, ठीक है ना? पता नहीं अभी चल रहा, बात करते हैं कभी टाइम मिलता तो। अभी तो बाबू हमको 10 को पेरेंट्स से बात करना, पहले अपना पेरेंट्स से ना बात करेंगे। सही मैसेज चली गई है, पता नहीं बाबू अभी नहीं, इधर हमको नई न्यूज है। देखो क्या दिया हुआ सर, ए रेशियो बी बराबर कितना दिया हुआ सर? 3:4 दिया, तो पहले ए रेशियो बी लिख लेंगे, अब बी रेशियो सी है। ई वाला टर्म हम लिखेंगे सर, ये वाला स्टेप नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ऐसे आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, बी के नीचे बी वाला लिखेंगे, ठीक। ए रेशियो बी कितना है सर? 3 है सर, अब 4 हो गया है ना सर? हाँ सर, 3:4 हो गया, ठीक। बी रेशियो सी कितना है सर? 4:5 है, तो बी नीचे वाला दूसरा लिख लो, 4 के नीचे 4 और 5 के नीचे 5, 4 के नीचे 4 लिख लो और ये 5 हो गया, ठीक। तो ये दोनों सेम हो गया सर? हाँ सर। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा? 3, 4 दो बार है तो एक के बार लिखना, दो बार है तो एक के बार लिखना। तो 3 हो गया सर, ये 4 एक बार हो गया सर, 5 एक बार हो गया। जय श्री राम, कितना आसान है। नेक्स्ट बाबू, इसमें कैसे करेंगे सर? तो ए रेशियो बी कितना दिया, जो जो लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले इधर सीखो उत्कार से, शैतान सीखता नहीं है। ए रेशियो बी कितना दिया क्वेश्चन में सर? 3:4 दिया हुआ। बी रेशियो सी कितना दिया सर? 4:5 दिया हुआ है ना। जो जो लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, भगवान उसको बुद्धि सद्बुद्धि नहीं दे कभी। हमको क्या निकालना है सर? ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, ठीक। तो कुछ ना करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 4 3 जमा में कितना पड़ा है? 12। इसमें 4 कॉमन होगा, ठीक। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20। अब इसमें कॉमन डिजिट कौन है जो चार चारों को डिवाइड करेगा? 4 कॉमन हो जाए। छोटे आपको रेशियो को बोले थे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के, शुरू में पढ़ाया था रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? तो कॉमन चारों हमको दिख रहा, तो 4 से सारे में अगर डिवाइड करोगे भोला, 4 से सारे में अगर डिवाइड करोगे तो 4 से 5 टाइम में, 4 से 4 टाइम में, 4 से 3 टाइम में, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना? 3:4:5। वही चीज आ गया, थोड़ा समझे शांति। हर टाइम मिडिल वाला ही कॉमन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी 3 बना, इसमें 4 बना। हाँ मेरे लाल, अभी एक दो का मिडिल वाला ही कॉमन करेंगे, ठीक है ना? सब टाइप आएगा। हाँ लिखिए लिखिए बाबू, अभी जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं बाबू, मिडिल वाला कॉमन ही रहा। अब मान लो मिडिल में 6 रहेगा तो वो भी बताएंगे, छोड़ थोड़ी देंगे। अभी पहले आप सीखो ना कि हम कैसे फाइंड आउट करते, पहले स्टेप याद कीजिए, ताकि जब अनकॉमन आ जाए बाबू तो वहां पे रोना धोना नहीं है। जल्दी लिखिए, गप मत कीजिए, जल्दी लिखो। हाँ जी बैलेंसी बाबू बताएंगे, से टेंशन क्यों लेते बाबू? कैसे मुझे भी पढ़ना है। अरे इसी में जब एलिमेंट का नेम लिखाएंगे ना बाबू, तो उसी में कह देंगे बैलेंसी निकालने के लिए, बता देंगे आपको। आपको फोटो भेज दूं सर बाद में? पहले आप खाने पीने वाला काम बंद करो, जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखे, थोड़ा सा समझी रोशनी? यस सर। हाँ बाबू एकदम खुशी खुशी पढ़ना बाबू, देखता है यहाँ सारा बच्चा खुश है एकदम। बस देखो बिट्टू बगुला बनल है, का बगुला बना बाबू, ऊपर का देख रहा बिट्टू? नहीं देख रहे थे। अनुज कहाँ गया मेरा? ए अनुज कहाँ है जी, कने छुपल है? यस सर। बाबू का हो गया आजकल बाबू, लाइन लेंथ चेंज हो रहा अनुज, काहे से टेंशन में हो जी? टेंशन में का जी रहे अनुज, क्या हुआ बाबू, कोई डांट दिया जी? नो सर। चलो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन जल्दी लिखे। एक वो कौन बनाएगा, कौन बनाएगा जल्दी से मेरी, देखो अभी रोशनी आएगी, रोशनी फैलाई गई है ना, सारे बाबू लाइट आएगा, बहुत सारा लाइट आ जाएगा।
ए रेशियो बी बराबर कितना है सर? 8 रेशियो कितना बाबू? 9 है। और ये 9 रेशियो कितना हो गया सर? 9 रेशियो बाबू 5 हो गया। जल्दी से बनाओ। 8 9 5 8 रेशियो 9 रेशियो 5। बच्चा मेरा तेज हो गया। देखो पहले नॉर्मल सब कहेगा। हाँ बाबू 8 रेशियो 8 रेशियो 9 रेशियो 5 ए रेशियो सी थर्ड नंबर। इसमें कहेगा ए रेशियो सी और कहेगा बी रेशियो सी, है ना? देखो तो मेरा बच्चा टन टन हो गया तुरंत। दो क्वेश्चन करवाया तुरंत टन टन हो गया सर। अभी कंफ्यूज आ रहा था। हाँ भोले, देखो मेरा भोला भोले। हाँ बाबू अब क्या, अब तो ये सब जमीन पे पैर रखेंगे। लेकिन हमको समझाना बाबू, समझाने के लिए हमको लिखाना पड़ेगा। देखो बोला हम लोग क्या, बी के नीचे बी लिखेंगे सर। पहला में ए रेशियो बी कितना है सर? 8 रेशियो 9 है सर। दूसरे में बाबू 9 है बाबू। ए इक्वल टू 8 और बी इक्वल टू 9 और सी इक्वल टू 5। इसको एक बार लिखना बाबू। तो 8 9 5 हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर ए रेशियो सी कह रहा है, तो ए रेशियो सी, ए बराबर कितना है सर? 8 है। सी बराबर कितना है? 5 है। अरे मेरे लाल, ई ए वाला है और ई सी वाला, और बीच वाला बी वाला। ए बराबर 8 है, सी बराबर 5 है, तो ए रेशियो सी कितना हो गया? 8 रेशियो 5 हो गया। तीसरा नंबर भोला, बी रेशियो सी, बी बराबर 9 है सर, सी बराबर 5 है, तो 9 रेशियो 5 हो गया। इसमें सर इसमें भी वैसे ही करेंगे भोले। अब मेरा बच्चा तेज हो गया जी, अब बात करेगा किसी से। डरना नहीं है, यहाँ दोनों कॉमन नहीं होगा, वो ही बताएंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे। हाँ भोला, ए रेशियो बी कितना? 8 रेशियो 9 बाबू। बी रेशियो सी कितना है सर? 9 रेशियो 5। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 9 जा कितना मम्मी पढ़ाई है? 9 8 जा 72 पढ़ाई है। ठीक, हाँ सर, इसको इससे मल्टीप्लाई। 9 9 जा कितना पढ़ाई? 81 पढ़ाई है। फिर सीढ़ी है तो चढ़ना जी, एक बार चढ़ो उतरो, फिर यहाँ से ऐसे 9 4 जा 45 पढ़ाई। इसमें कॉमन एगो होगा, इसमें एक ऐसा डिजिट कॉमन होगा जो तीनों 9 सर 9। हाँ बोले, अब मेरा सब 9 कॉमन होगा, 9 8 5 आएगा। 9 से डिवाइड दो, 9 कॉमन है तो यहाँ भी 9 से डिवाइड दो, 9 से डिवाइड दो, 9 से 5 टाइम में, 9 से 9 टाइम में, 9 से 8 टाइम, 8 9 5। ऐसा तो नहीं, काहे रो रहे बाबू, इससे आसान कोई टॉपिक है जी? दो तीन को दे देते बना के लाइएगा, है ना? आसान आसान वाला दे देते। जल्दी लिखना है, जल्दी लिखिए, दो तीन मिनट बच रहा है। आ गए बाबू, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम बाबू। कहिया बर्थडे बाबू हमारी, आ गई सालनी भोली बाबू। Yes, कहाँ चल गई थी आज? किसका था बाबू? सर कहीं नहीं, मार्केट गई थी। अच्छा, सामान, बर्थडे का सामान लाने? हाँ सर। किसका बर्थडे है बाबू? सर मेरे बेस्ट फ्रेंड का। अच्छा, आपके बेस्ट फ्रेंड का है? यस सर। चलिए बाबू, आपका बर्थडे, बाबू आपका बर्थडे है बाबू, है ना? आपका लाइफ बाबू आपका बर्थडे ही खराब करेगा, किसी का बर्थडे नहीं छोड़ती है। शैतान तो हमारे यहाँ इतना बच्चे बाबू, सारे का बर्थडे का इतने बच्चे। हाँ बाबू, क्या वीडियो भेजा अपने व्हाट्सएप में? एक वीडियो भेजा सर, मैं देखा। हाँ बाबू, डेडिकेशन का, बिना डेडिकेशन आप बाबू, जब आप सो रहे होगे बाबू तो बहुत सारा आदमी उस समय पढ़ रहा है। रुकिए, सेकंड मेथड लिख रहा हूं। अब आप मोटिवेशनल वीडियो खान सर का भेज दिए। अरे समझ में नहीं आ रहा है सर, कोई सर का है बाबू सर को फॉलो करते, कोई फॉलो करने। देखो कोई भी आदमी बाबू जो अच्छा गुण है उसको एक्सेप्ट कीजिए, और जो बैड हैबिट है उसको रिजेक्ट कीजिए। कोई भी टीचर है, कोई भी आदमी है ना बाबू, खान सर रहते हैं कोई सर, मैं उनका यूट्यूब में वीडियो देखता हूं। कोई सर है बाबू, मैसेज अच्छा है बाबू कि जिस समय आप पढ़ रहे बाबू, जिस समय आप सो रहे उस समय बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो आपको बाबू रेंगते हुए आगे निकल जाएगा। जब कंपटीशन में बैठोगे
आपको पीछे छोड़ देगा, वो आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम सिग्मा रूट, ये सबसे मतलब नहीं बाबू, आपको मैसेज से मतलब है ना, इसीलिए सोइए कम और पढ़िए ज्यादा, समझा सुजीत? यस सर, समझ गया। चलो ठीक है, सिग्मा रूल आ रही है, पाई रूल मत करो, ये सब बना के लाना। 106 बाबू, 11 रेशियो बाबू 12 रेशियो 5, दोनों मेथड से करके लाना। इफ बाबू, एक्स रेशियो 22 बराबर कितना दिया हुआ सर, 6 रेशियो 7 एंड वाई रेशियो जेड बराबर कितना दिया हुआ सर, 7:9 दिया हुआ। फाइंड एक्स बाई जेड, एक्स रेशियो जेड, ये सब बनाने का चीज है बाबू, मुंह छुपा के बनाना, ठीक ना, कोई देखे नहीं जी, शर्म वाला चीज है, देखा जाए। मास्क पहन लेंगे सर, मास्क पहन लेंगे सर, कोई देख लेगा तो किट पहन लेंगे सर, मास्क पहनते कहां है, जो देखेगा ना बोधा उसको खुद ना समझ में आएगा कितना जल्दी कैसे बना दिया सर। एक आंसर होगा 11:12:5। नेक्स्ट बाबू, हाँ सर, पी क्यू भी दे रहा था, कुछ दे रहा है, ए बी दे रहा है, पी क्यू दे रहा है, सी क्यू दे रहा है, उसे हमको बच्चा डरेगा काय लगे। 12:13 पी क्यू, क्यू रेशियो आर, मान लो सर इक्वल नहीं रहेगा तो, इक्वल नहीं रहेगा तो दिमाग लगाना, फिर बताते हैं। तो वैसे बता ही नहीं है तो क्यों, अरे तो दिमाग लगाओ ना जी, नहीं बताए थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो तेजी से काम करेगा, नहीं बनता। हाँ पलाई, ये तो शैतान बहुत डरपोक है, खाली हारने वाला, खाली एथी वाला काम करेगा, डिमोटिवेट होने वाला। सर इसको मल्टीप्लाई करके बना सकते सर? हाँ बाबू बनाइए, बोला पी क्यू आर बाबू, बताएंगे बताएंगे बताएंगे, अटेम्प्ट तो करो सर, होमवर्क का फोटो भेज दीजिए। और इसको तो मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हो 108 सर। हां अरे हम स्क्रीनशॉट ले लो ना भोला, ये सर मल्टीप्लाई कर, ऐसा था ना स्क्रीनशॉट, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। हाँ भोला केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, टाइम भी हो गया। अब हम लोग क्या पढ़े थे, वो एटोमिसिटी पढ़े थे, देखो आइटम कैसे कंबाइन होता जी, एटॉमिसिटी का वीडियो दिखा देते बाबू, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट का टाइप पढ़ेंगे हम, पता है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी है ना, रिकॉर्डिंग तो ऑफ करिए उसके बाद। एटॉमिसिटी मतलब कि ये मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक, हां मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक पॉली ट्राइएटॉमिक टेट्राएटॉमिक पॉलीएटॉमिक है ना, ऐसे करते हैं और ऑक्टाएटॉमिक, हम लोग टेट्रा तक पढ़ते हैं उसके बाद पॉली नाम दे देते हैं, बाकी आप लोग अपने इच्छा के अनुसार।